सब ईश्वर का आशीर्वाद है, आप लोगों का सहयोग है, मेरे शहरवासियों की मेरे ऊपर दया है। अभी हमें जी ग्वालियर में इंद्रगंज चौराहे पर श्री परमाड़ी पोहा सेंटर वालों के पास, इनके पोहा ग्वालियर में सबसे ज़्यादा फेमस हैं, लेकिन ये दुकान इनकी 2012 में स्टार्ट हुई थी। अब इनकी नई ब्रांच है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और परमाड़ी जी से बात कराता हूँ स्वयं जाके। आइए चलते हैं, वीडियो कंटिन्यू रखते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये इंद्रगंज चौराहे है, ये है जी इनकी न्यू शॉप श्री पनवाड़ी पोहा वालों की ब्रांच, इन्होंने 1 साल पहले खोली है, इनकी न्यू शॉप है। ये है जी इंद्रगंज चौराया, जैसे ही आप इस रोड को क्रॉस करोगे तो आप पहुंचोगे श्री पनवाड़ी पोहा वालों के पास, इनका बैनर लगा है। ये है अंदर गली में श्री पनवाड़ी पोहा सेंटर। तो चलिए बात कराते हैं, पोहा भी टेस्ट करेंगे इनका, कैसा नाम है, ऐसा काम है या नहीं है। ये इनका मेन्यू है जी, दादा जी कराते हैं पनवाड़ी जी से बात। नमस्कार भैया जी। नमस्कार भैया, आपको मेरे सभी शहरवासियों का जय हो प्रभु। पूरा नाम क्या है आपका? सर सोनू चौरसिया। सोनू चौरसिया आ गया हूँ, बाकी ठेला तो अपना लग ही रहा है। ठेला का टाइमिंग अब पहले 2-3 बजे तक होता था, अब अपना ठेले का टाइमिंग 10 बजे तक रह गया है। 10 बजे तक जी, उसके बाद इसीलिए अपन ने ये दुकान खोली है कि यहाँ पे आपको शाम को और रात तक ये सारी चीज़ें मिलेंगी। वही के अलावा ये पास्ता नमकीन सेवैया, ये अपना साबूदाना खिचड़ी, उपमा, इडली मसाला, और ये स्प्राउट्स है जी। ये मतलब टोटल हेल्दी रहता है, मतलब पूरे नट्स रहते हैं इसमें ये स्प्राउट्स। बाकी अपना जलेबी, देसी घी की हाँ जी, ढोकला, पोहा तो अपना वो है ही, और इसके अलावा हम सैंडविच चालू करने वाले हैं, कम से कम 10 तरह का सैंडविच चालू करने वाले हैं, पूरे शेक, और जो भी मतलब हेल्दी फूड होगा उस पर सोच समझ के अच्छे विचार करके इसको स्टार्ट करेंगे। तो आपके पोहा का राज क्या है? जो लोग राज तो साहब शहर को सबको मालूम है, राज मतलब साफ़ सफाई हाइजेनिक तरीके से अपन सर्व करते हैं, स्वास्थ्य की चिंता करते हैं लोगों की, उसके हिसाब से अपन बनाते हैं और अच्छा बनाते हैं बस। आपके पास कस्टमरों की भीड़ ऐसी बढ़ती रहती है? सब ईश्वर का आशीर्वाद है, आप लोगों का सहयोग है, मेरे शहरवासियों की मेरे ऊपर दया है, कृपा है उनकी, बस ऐसी दया बनी रहे और ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, ऐसी ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे। ये है जी पनवाड़ी जी का फेमस पोहा, तो ट्राई करते हैं भाई, इनकी स्टाइल ही अलग है देने की, तो ट्राई करता हूँ भाई इसको खा के। भाई मज़ा आ गया खा के पोहा, जब इनका नाम है ग्वालियर में पनवाड़ी पोहा वालों का, क्योंकि इनके पोहे का स्वाद ही अलग है। ब्रेकफास्ट में इनके पोहा खाओ आपको मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल एक नंबर पोहा है, देखो बिल्कुल खिले खिले, और नमकीन वगैरह रतलाम भी सेम डाले हैं तो उससे कुछ अलग ही टेस्ट आ रहा है, क्योंकि मसालों का अलग ही जायका है। मज़ा आ गया भाई खा के, ट्राई करना पनवाड़ी पोहा वाले। एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, और इनकी गूगल मैप लोकेशन भी है वो भी डाल दूँगा आपको, एक बार आके ट्राई कीजिए। 25 रुपये की प्लेट है ये, एक बार खा के ट्राई करें, मज़ा आ जाएगा आपको। हाँ भैया जी, तो आप पनवाड़ी पोहा वाले के पास कितने टाइम से आ रहे हो आप? काफ़ी समय हो गया। काफ़ी समय हो गया, तो कैसा लगता है इनका पोहा का जायका? कोई शिकायत ही नहीं है किसी प्रकार की भी, तो इनके जैसा कोई टेस्ट दे भी नहीं सकता, हर तरीके की वैरायटी। पहले इन्हें पोहा का काम चालू किया था जी, इसमें वैरायटी बहुत सारी बढ़ा दी, हम तो रेगुलर कस्टमर हैं इनके जी। काफ़ी अच्छे लगते हैं आपको इनके पोहा? हाँ जी, तो मैंने पनवाड़ी पोहा वालों का पोहा टेस्ट किया, काफ़ी सॉफ्ट हुआ था, मेल्ट हो रहा था बिल्कुल,
और इनके स्टाइल अलग है, दोनों में देते हैं तो उससे अलग ही टेस्ट आता है इनके पोहा का। तो आप एक बार ट्राई जरूर करें आकर पनवाड़ी पोहा सेंटर। तो ये इंदिरागंज चौराहा है, तो वहाँ पर आप ट्राई जरूर करें। इनका पुराना ठेला लगाते हैं, वो 10 बजे तक खुलता है, ये 5 बजे तक खुलता है। यहाँ पर आके ट्राई जरूर करें। इनके पास पोहा के साथ साथ आपको 6 से 7 वैरायटी मिलेंगी अलग अलग। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय, अलविदा, राम राम।